गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। शख्स ने बोरी से निकाली सब्जियां, गटर के पानी से डुबोई ठेली में सजा के बोला सब्जियां ले लो। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आजकल जहां पर बोला जाता है कि हाइजीन रखना चाहिए, आजकल जहां पर बोला जाता है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अच्छी सब्जियां खानी चाहिए, अच्छा प्रोटीन खाना चाहिए, वहां पर अगर गंदगी से भरी हुई सब्जियां अगर आपके घर पे आ रही है तो उसको आप किस तरीके से साफ करेंगे, ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात हो जाती है। इस दौरान ही सोशल मीडिया पे एक ऐसा ब्लॉग है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक सब्जी वाला जो ठेले पे एक्चुअली में सब्जी रख के, ताजा ताजा सब्जी रख के बेचता रहता है, उस दौरान ही वहां पर वो एक्चुअली में गटर में उस सब्जियों को धोता हुआ भी नजर आ रहा है। पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज, सब्जी वाला ठेला लेके आता है, आप में से काफी सारे लोग जो है, या जो गृहणियां हैं जो कि महिलाएं घर में रहती हैं, ज्यादातर बाहर नहीं जाती है, उनके लिए ये सब्जी का ठेला वाला जो रहता है वो काफी ज्यादा राहत देता है। हम ये नहीं बोलते कि सब ठेले वाले ऐसे ही होते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे ठेले वाले भी होते हैं जो कि आज हमारे सामने खबर आई है, जहां पर महिला ठेले की आवाज सुन के, सब्जी ले लो करके सुन के वो बाहर आती है और सब्जियां लेती है, उनको राहत का काम मिलता है, उनको ज्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ता। इस दौरान सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो रही है, जहां पर ठेले पे रखी हुई सब्जियों को शख्स जो है वो एक्चुअली में डबोता है गटर में, उसके सामने गटर है, वहां पर मटर है, टमाटर है, गोभी है और काफी सारी अलग अलग सब्जियां हैं जिनको उससे धोता है, धोने के बाद वो ठेले पे रख देता है। इस दौरान ही ये सब चीजें जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये जो पूरे ब्लॉग है वो एक्चुअली में माया नगरी मुंबई से आ रही है। तो अभी आप लोग एक बार तो जरूर सोचेंगे कि ठेले वाले से क्या सब्जी एक्चुअली में लेनी चाहिए या नहीं, आप लोग इसका तोड़ क्या निकालेंगे। आप लोग हर किसी पे विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, क्या मालूम आपके नजदीकी जो सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए आ रहा हो वो भी ऐसी हरकत कर रहा हो, पर आप उसका तोड़ कैसे निकालेंगे, कैसे सब्जी को एक्चुअली में साफ करेंगे, चाहे ठेले वाला हो चाहे दुकान वाला हो, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तोड़ निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।